हेलो भाई, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे हुंडई की कॉम्पैक्ट सेडान ओरा की। भाई इसने हुंडई की एक्सेंट गाड़ी को रिप्लेस किया है। इसकी रेंज स्टार्ट होती है 6.6 लाख से, टॉप मॉडल की कीमत है 10.58 लाख रुपीज़, और ये वाला एस वेरियंट है, इसका प्राइस है 7.7 लाख अभी करंट में। पहले जब ली थी जब तो 7.4 लाख में मिली थी डिस्काउंट लेके। मैं पहले इसका वो अकाउंट दे देता हूँ भाई, लुक्स इसके मतलब इसके राइवल्स को देखे ना, इसके मार्केट में कम्पीट करती है मारुति की डिज़ायर टिगोर से और होंडा मेज से। ये देखो भाई इसके राइवल्स को देखे तो भाई मेरे को तो बहुत सही लगी गाड़ी लुक्स में भी और फीचर्स में भी। फीचर्स इसके टॉप मॉडल में बहुत फीचर लोडेड गाड़ी है, अभी हम बात करेंगे आगे। और बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया है, और आगे से तो कुछ कुछ नियोस जैसी लगती है, नियोस सी ही लगती है बस। इसमें DRL, इसमें दो DRL आते हैं, नियोस में एक ही आता है ऐसा बस। और ये ग्रिल इसकी कुछ ग्रेस फिनिश है, ये गन मेटल से सराउंडेड है। ये लाइट है इसकी, रिफ्लेक्टर टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर मिल जाता है इसमें हेलोजन वाला, और फोग लैम्प प्रोजेक्टर मिलता है हर मॉडल में। बेस मॉडल का कंफर्म नहीं है, बेस मॉडल में भी प्रोजेक्टर देते हैं हुंडई, मतलब हर गाड़ी में फोग लैम्प तो प्रोजेक्टर में मिलते हैं इनके, काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस है। और टायर साइज़ की बात करें तो 165/70R14 14 इंच का स्टील व्हील्स मिलते हैं इसमें। टॉप मॉडल में अलॉय व्हील मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील। ये इसके साइड लुक्स काफ़ी सही लगती है भाई। ये इस पिलर पे कुछ पियानो ब्लैक से फिनिश है, अगर ये पिलर को भी ब्लैक कर देते तो फ्लोटिंग रूफ का सा डिज़ाइन आ जाता, बढ़िया लगती है और भी। और रियर में ये लाइट ना रात को बहुत बढ़िया लगती है, LED से चस्ती है इतनी इतनी ये जो है। इसका बूट सिर्फ की से ओपन होता है और आगे ड्राइवर की सीट से नीचे से वो देते हैं ना बटन, वहाँ से की बात करें तो भाई ऐसी की मिलती है इसमें लॉक अनलॉक। और ये बूट ओपनर इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये खुल गया, देखो इतना कुछ स्पेस मिल जाता है इसमें। ये अपने स्पेयर टायर मिलते हैं वही स्टील व्हील, वही काफ़ी मजबूत सी फील होती है गाड़ी। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स और ये कुछ ब्लैक फिनिश में स्किड प्लेट, ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। ये रियर डिफोगर भी मिल जाता है एंटीना। अंदर चलते हैं, ये है रियर डोर, आर्किमिज का सराउंड सिस्टम मिलता है इसमें। डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाते हैं ग्रे और ये कुछ वाइट फिनिश में, और सीट कवर चढ़वा रखे हैं हुंडई से, शोरूम से लिए थे इसमें। वैसे सीट्स आते हैं फैब्रिक सीट्स वाइट कलर में, जैसे ये है ना इस कलर में आ जाते हैं, ये भाई लिए थे, गंदे हो जाते बहुत जल्दी ना, इसलिए तो ऐसे सीट कवर चढ़वा रखे इसमें। ये ISO फिक्स, रियर स्पेस को देखे तो बहुत स्पेस है, सीट को पीछे कर देना और भी तो भी मतलब इतना स्पेस मिल जाता है पीछे। रियर वेंट, AC वेंट, और यहाँ पे 12V का पोर्ट भी मिलता है। आगे चलते हैं, और ये इसकी बात कर रहे हैं ना टॉप मॉडल्स में बढ़िया फिनिश में क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं, अभी तो ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं ऐसे वेरियंट है तो। ये ड्राइवर साइड डोर, ये भाई पावर विंडोज के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, और ये है ORVM के कंट्रोल। टॉप मॉडल में यहाँ पे वो फोल्डिंग ORVM को फोल्ड करने का बटन भी मिल जाता है ऐसे। इसका डैशबोर्ड भाई मेरे को तो इसका डैशबोर्ड ना इसके राइवल्स कंपीट करते हैं तो उनसे तो बहुत बढ़िया लगा, उनसे तो बहुत मतलब अच्छा डिज़ाइन है फ्यूचरिस्टिक से सोटा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है टॉप मॉडल में, तो इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी टच स्क्रीन मिलती है इसमें, टच स्क्रीन नहीं सॉरी डिजिटल मीटर मिल जाता है, की फ्लिप की है, MID छोटी सी इसमें, इस साइड RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर। उसमें टॉप मॉडल में ना RPM मीटर चैनल लोग रहता है और यहाँ से इतनी पूरी स्क्रीन मिल जाती है। AC वेंट और ये मैनुअल AC है टॉप मॉडल में,
ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जर टॉप मॉडल में। इसमें तो यूएसबी पोर्ट मिलता है, एक ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है इसमें। स्टेयरिंग व्हील को देखे तो सिर्फ इसमें आता है टिल्ट का फंक्शन, टिल्ट हाँ, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। ये इंफोटेनमेंट के सिस्टम मिल जाते हैं। ये वाइपर के कंट्रोल इस साइड है, लाइट्स के कंट्रोल, हॉर्न देखो ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से फिनिश मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में ना काफ़ी सही सा लगता है, मतलब बढ़िया ग्रिप है, कंफर्टेबल सी। और डैशबोर्ड की फिनिश देखो आप भाई, बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर से। यहाँ पे कुछ स्पेस है रखने की, ग्लोव बॉक्स और एसी वेंट ये वाले ना कुछ जेट इंजन से इंस्पायर्ड से है। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता इसमें। और इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें तीन इंजन ऑप्शन आते हैं, एक डीजल और दो पेट्रोल। मैं बस स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। काफ़ी रिफाइंड और साइलेंट इंजन है इसका, दिखाते हैं। DRL देखो आप, इंजन इसमें है, ये वाला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, कापा सीरीज का जो सुजुकी देती है ना अपनी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन, ये वही है। ये प्रोड्यूस करते हैं 81 BHP और 138 Nm का टॉर्क, और इसमें 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन भी आता है, और डीजल इंजन 1.2 डीजल इंजन ढूंढे गए भाई। काफ़ी रिफाइंड साइलेंट इंजन है। लाइट्स और दिखा देता हूँ मैं आपकी, इसके पीछे वाली जलती ना बहुत सही लगती है। देखो अभी एक मिनट, ये देखो ये इनकी बात कर रहा था मैं, ये जो जलती है ना काफ़ी सही लगती है रात को। और तो इसमें हेलोजन है, जो ब्रेक लाइट और इंडिकेटर, ये तो हेलोजन ही मिलते, पर ये वाली लाइट बहुत सही लगती है इसमें। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।